यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में सबसे पहले तो ये खबर निकल के सामने आई है कि अब सोयाबीन का जो छिलका होता है, जो हस्क होता है, अब उस पर भी 5% GST लगेगा और पूरे देश में ये कानून लागू किया जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो सोयाबीन है ना ही ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ही ज़्यादा गिर रही है, 6200 से 6300 की एक रेंज में स्टक हो चुकी है। तीसरा, US के एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट है और जो साउथ अमेरिका है वहाँ के वेदर कंडीशंस सोयाबीन के लिए थोड़े सही नहीं बताए जा रहे हैं। वहाँ पे जो हॉट वेदर कंडीशन की वजह से सोयाबीन की जो फसल है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में आगे अभी भी कुछ बढ़त बनने की उम्मीद है? देखिए, सोयाबीन में अभी फिलहाल तेजी की उम्मीद अखिलेश नहीं दिखाई दे रही है, छुटमुट बाइंग बनी रह सकती है, लेकिन अभी बाजारों में बहुत ज्यादा कोई अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लगता है कि अभी सोयाबीन जो है 5800 से लेकर 6200 मैक्सिमम अपसाइड 6500 तक बना रह सकता है, इससे ज्यादा फिलहाल तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही है जी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।